तो ये इंटरप्रेटर हमें लाइन बाय लाइन ट्रैक करके बताते रहता है अगर हम कोई मिस्टेक करते हैं तो। पाइथन का कोड करने के लिए एक और प्लेस होता है जिसको हम बोलते हैं IDLE, यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। उससे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, ये जो सेल होता है पाइथन का, यहाँ पे हम सिर्फ एक लाइन का कोड ही लिख सकते हैं, फिर उसका रिजल्ट आएगा। फिर अगर मेरे को और कोडिंग करना तो फिर एक लाइन लिखो, फिर रिजल्ट आएगा। इस तरह से अगर मेरा मन है कि मैं चाहता हूँ सारा कोडिंग मैं लिख लूँ, कोई बड़ा प्रोग्राम है जैसे पैलिंड्रोम नंबर का, तो यहाँ पे मैं उसको नहीं कर सकता। मतलब कर लेंगे लेकिन वो लाइन बाय लाइन रिजल्ट देता हुआ चलेगा। तो उसको करने के लिए हम यहाँ पे IDLE टाइप करेंगे और उसको ओपन करेंगे। ये पाइथन जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उसी के साथ कंबाइंड होके आता है। तो यहाँ पे भी अगर हम कोडिंग करना चाहते हैं, पहले मैं अगर कोडिंग करूँ यहाँ पे प्रिंट में, मैं कुछ मैसेज दे देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ अंकुश और एंटर हिट करता हूँ, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लाइन बाय लाइन ही रिजल्ट आ रहा है। मतलब जैसे हमने CMD में सेल में कोडिंग किया था, यहाँ पे भी ठीक उसी तरह से रिजल्ट आ रहा है। लेकिन मेरा रिक्वायरमेंट है कि मैं एक बार में सारी कोडिंग कर लूँ, तो फाइल वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे न्यू फाइल पे जाना है। तो यहाँ पे देखिए एक नया विंडो ओपन हुआ है। अब आप यहाँ पे सारा कोडिंग कर सकते हैं, जो भी आपका कोडिंग का लॉजिक है, बड़ा प्रोग्राम है जैसे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का, पैलिंड्रोम नंबर का। मैं यहाँ पे आपको डेमो ही दिखा रहा हूँ, प्रिंट कर करके दो तीन बार मैं प्रिंट लिख देता हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे बड़ा कोडिंग कर सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि एंटर हिट करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं तीन बार कोई भी मैसेज प्रिंट करा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको एक ही साथ सबका रिजल्ट दिखाता हूँ। मैंने तीन बार प्रिंट में कोई भी मैसेज दे दिया, तीन मैसेज दे दिया है। अब मैं इसको रन पे जाऊंगा, रन मॉड्यूल पे क्लिक करूंगा और ओके टाइप पे हिट करूंगा, तो यहाँ पे प्रोग्राम सेव करने बोलेगा। मैंने सेव किया और एंटर हिट किया, ये प्रीवियस प्रोग्राम था। यहाँ पे अभी थोड़ी देर में रिजल्ट आएगा, तो आप देख सकते हैं तीनों मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो चुका है जो हमने अभी वहाँ पे तीन प्रिंट में लिखा था। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे लिखा था। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं इसका स्पेलिंग गलत कर देता हूँ, इसका स्पेलिंग गलत कर दिया और कंट्रोल एस से सेव कर लिया और फिर से मैं इसको रन करूँगा। रन पे जाऊँगा, रन मॉड्यूल पे क्लिक करूँगा, तो आप यहाँ पे देखिए पहला मैसेज प्रिंट किया है क्या था, अंकित है। उसके बाद मैंने स्पेलिंग गलत किया था किसका, प्रिंट का। तो यहाँ पे देखिए प्रिंट इज नॉट डिफाइंड करके आ रहा है। डिड यू मीन प्रिंट, मतलब आपको प्रिंट लिखना है, आपने क्या लिखा है, प्रिंट लिखा है। तो आपको ये बता भी रहा, सजेस्ट भी कर रहा है कि आपने क्या गलती करा है। हमने इसको फिर से करेक्ट कर दिया। अब मैं रन करूँगा तो आप देख सकते हैं तीनों आउटपुट आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर में सिर्फ एक आउटपुट आया था, फिर उसके बाद एरर आया था। तो आपको लगता होगा कि लास्ट वाला आउटपुट क्यों नहीं आया। अगर कहीं भी एरर डिटेक्ट होता है तो उसके बाद अगर आपका कोड सही भी रहेगा तो वो रन नहीं होगा, मतलब आउटपुट उसका नहीं आएगा। प्रैक्टिकल सेशन हो गया हमारा, फिर से हम अपने नोटबुक की ओर मूव करते हैं और पाइथन से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपको बताते हैं। व्हाई नेम पाइथन। इंटरव्यू में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि पाइथन का नाम पाइथन क्यों पड़ा। तो हमारे जो डेवलपर थे जूडो वैन रोजम, वो एक बहुत बड़े टीवी शो के फैन थे जिसका नाम था मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। ये एक कॉमेडी शो था जो कि BBC के द्वारा ब्रॉडकास्ट किया गया था। ये बहुत लंबा चला था, 5 साल तक चला था। तो जूडो ने डिसाइड किया कि इस शो को देखने के बाद सभी के फेस में स्माइल आती थी। इस टीवी शो को देखने के बाद हमारे जो डेवलपर जूडो थे उन्होंने पिक किया एक नेम जिसका नाम था पाइथन। यहाँ पे आप देख सकते हैं टीवी शो में पाइथन से एक वर्ड है, उनको ये वर्ड काफी पसंद आया तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज का नाम पाइथन रख दिया। तब से ये हमारा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन के नाम से जाना जाता है और आज भी इसे हम पाइथन के नाम से ही जानते हैं। तो ये छोटा सा हिस्ट्री था पाइथन का। अगर आप पाइथन पढ़ने जा रहे हैं तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि ये जो नाम पाइथन है कहाँ से है। तो ये नाम यहाँ से आया, इस टीवी शो से, जिसके बहुत बड़े फैन थे हमारे डेवलपर जूडो। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ फीचर्स भी होते हैं जो आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला होता है सिंपल एंड इजी टू लर्न। पाइथन को सीखना बहुत ही आसान है और बहुत ही आसानी से आप इसको सीख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड होता है फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स। पाइथन को सीखने के लिए आपको कुछ भी चार्जेस पे करने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री है ये। ओपन सोर्स मतलब अगर आप पाइथन के इंप्लीमेंटेशन से खुश नहीं है तो आप इसमें अपना खुद का भी चेंजेस कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब इसके प्रोग्राम को आप एक बार कहीं पे भी बना लो और कहीं भी आप इसके प्रोग्राम को किसी भी सिस्टम में रन कर सकते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। रिच लाइब्रेरी, पाइथन के पास बहुत ही बड़ा लाइब्रेरी है, हर काम के लिए लगभग पाइथन के पास एक लाइब्रेरी है, ठीक है, जिसे आप इजीली इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं। पाइथन पोर्टेबल है, मतलब इसके प्रोग्राम को अगर मान लीजिए आप विंडोज OS में बनाए हैं तो आप लिनक्स में भी रन कर सकते हैं। पाइथन एम्बेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप पाइथन के कोड को
सी लैंग्वेज या फिर जावा में यूज करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, पाइथन के कोड को इन लैंग्वेज में भी आप यूज कर सकते हैं। एक्सटेंसिबल है, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आपने कुछ कोड जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है, अब उसको आप पाइथन में यूज करना चाहते हैं तो आप जावा के कोड को पाइथन में भी यूज कर सकते हैं, ये कहलाता है एक्सटेंसिबल। और लास्ट में हो गया इंटरप्रेटेड, पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, पाइथन के पास इंटरप्रेटर होता है, मतलब लाइन बाय लाइन ये प्रोग्राम को इंटरप्रेट करता है। जब हम आपको प्रैक्टिकल दिखाया था तो आपने देखा भी होगा कि जैसे हम इंटरप्रेस कर रहे थे कोड रन हो जा रहा था, तो इंटरप्रेटर का काम वही होता है कि जैसे एक लाइन का कोड लिखाया ये उसे इंटरप्रेट कर देगा। यहाँ पे मैंने एम्बेडेड का थोड़ा सा उल्टा बोल दिया, एम्बेडेड का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपने सी लैंग्वेज में कुछ कोड लिख रखा है, आपने जावा में कुछ प्रोग्रामिंग करके रखा हुआ है, अब अगर आप इस सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को पाइथन में यूज करना चाहते हैं, पाइथन के साथ एम्बेड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसी तरह जावा के कोड को अगर आप पाइथन में एम्बेड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मान लीजिए आप पाइथन में प्रोग्रामिंग करने बैठ गए हैं, आपका आधा कोड सी में लिखा हुआ है कुछ जावा में लिखा हुआ है, तो आप इनके कोड को पाइथन में ऐड करके यूज कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं एम्बेडेड। और एक्सटेंसिबल मतलब क्या होता है कि पाइथन में लिखे गए कुछ कोड को आप चाहे तो जावा में यूज कर सकते हैं, सी में यूज कर सकते हैं, आप सभी कर सकते हैं, पाइथन के कोड को अदर लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। तो ये होता है एक्सटेंसिबल का मतलब। फर्स्ट टाइम मैंने उल्टा बोल दिया था, ठीक है, इसका उसमें उसका इसमें कर दिया था, लेकिन अभी क्लियर है। अब हम आपको बताएंगे पाइथन के एप्लीकेशंस, यानी पाइथन से हम क्या क्या कर सकते हैं। पाइथन से हम वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, यानी वेबसाइट बना सकते हैं, गेम डेवलपमेंट कर सकते हैं, गेम बना सकते हैं, आईओटी प्रोग्रामिंग हम पाइथन से कर सकते हैं, मशीन लर्निंग जो कि आजकल बहुत ही ज्यादा यूज होता है पाइथन का यूज करके, वो भी हम कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पाइथन का यूज किया जा रहा है, डेटाबेस प्रोग्रामिंग भी हम पाइथन का यूज करके कर सकते हैं, यानी डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को चला सकते हैं, नेटवर्क प्रोग्रामिंग भी हम इससे कर सकते हैं। तो ये है पाइथन के कुछ एप्लीकेशन। यहाँ पे इंटरव्यूअर आपसे क्या पूछ सकता है, इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि व्हाई पाइथन सो पॉपुलर, पाइथन इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों है, तो आपको यही आंसर उसमें भी करना है, यानी क्वेश्चन घुमा के भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये थे पाइथन के एप्लीकेशन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने नीचे लिख रखा है लिमिटेशन ऑफ पाइथन, यानी पाइथन से हम क्या नहीं कर सकते। तो पहला तो लिमिटेशन यही है कि पाइथन से हम एंड्रॉइड एप्लीकेशन यानी मोबाइल एप्लीकेशन नहीं बना सकते। और सेकंड क्या है, परफॉर्मेंस इज नॉट अप टू द मार्क, पाइथन का जो परफॉर्मेंस है वो अप टू द मार्क नहीं है। ये है पाइथन के कुछ लिमिटेशन। इनपुट ऑपरेशन और आउटपुट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा कि इनपुट के लिए पाइथन में हम इनपुट फंक्शन यूज करते हैं और आउटपुट के लिए हमारे पास पाइथन में प्रिंट नाम का फंक्शन है। इन्हीं दोनों फंक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं, पाइथन में इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। लेकिन इनपुट फंक्शन के बारे में मैं आपको बताऊं, इनपुट फंक्शन हम तब यूज करते हैं जब हमें रन टाइम में यूजर से वैल्यू इनपुट कराना होता है तब। तो यहाँ पे इनपुट फंक्शन के बारे में मैंने क्या दिखाया, इन पाइथन प्रोग्राम्स वी यूज इनपुट फंक्शन टू टेक एनी काइंड ऑफ डेटा इनपुट फ्रॉम द यूजर थ्रू द कीबोर्ड। अगर आप यूजर के थ्रू कीबोर्ड से इनपुट लेना चाहते हैं पाइथन प्रोग्राम में डेटा को, तो आप यूज करेंगे इनपुट फंक्शन, ठीक है। तो इनपुट फंक्शन काम कैसे करता है, द इनपुट फंक्शन वेट्स फॉर द यूजर इनपुट एंड एज सून एज द यूजर एंटर द डेटा एंड प्रेस द एंटर की, द इनपुट फंक्शन रीड्स द डेटा एंड असाइन इट टू द वेरिएबल। सबसे पहले इनपुट फंक्शन क्या करता है, यूजर के इनपुट का वेट करता है, जैसे ही यूजर इनपुट दे देता है, डेटा इनपुट कर देता है और एंटर की प्रेस करता है, उसी टाइम पे इनपुट फंक्शन क्या करता है, जो भी डेटा यूजर ने इनपुट किया था उसे वेरिएबल में असाइन कर देता है, ठीक है, और हमारा वैल्यू इनपुट हो जाता है। तो इनपुट फंक्शन यूज करने का सिंटैक्स क्या है, यहाँ पे आपका होगा वेरिएबल इक्वल टू और यहाँ पे आपका ये इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है, यहाँ पे आप मैसेज कुछ भी पास कर सकते हैं इनपुट फंक्शन से, तो आप जो भी यहाँ पे मैसेज पास करेंगे उसके बाद जब एंटर की हिट करेंगे वो वैल्यू जाके वेरिएबल में असाइन हो जाएगा, उसके बाद आपको वो मैसेज के साथ बोलेगा डेटा इनपुट करिए, ठीक है। इनपुट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न स्ट्रिंग वैल्यू, यहाँ पे मैंने देखो लिखा भी है, ये स्ट्रिंग वैल्यू भी रिटर्न करता है। अगर आप इंटीजर टाइप का इनपुट देना चाहते हैं तो बाद में आपको उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, हम आपको प्रैक्टिकल में दिखाएंगे वो काम कैसे होगा, ठीक है। लेकिन प्रिंट फंक्शन क्या होता है, प्रिंट फंक्शन का यूज क्या है, इट इज यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑन द कंसोल। अगर आपको अपने आउटपुट कंसोल में कुछ भी आउटपुट डिस्प्ले कराना है, कुछ भी प्रिंट करना है, तब आप यूज करेंगे प्रिंट फंक्शन। और यहाँ पे प्रिंट फंक्शन में आप कोई भी वेरिएबल डायरेक्टली लिख के प्रिंट कर सकते हैं उसके वैल्यू को, या फिर डबल कोट्स में मैसेज भी प्रिंट कर सकते हैं। तो अभी चलिए हम क्या करेंगे, इसी चीज का प्रैक्टिकल आपको शो करके दिखाते हैं कि कैसे ये ऑपरेशंस परफॉर्म होगा, इनपुट आउटपुट फंक्शन हम यूज करेंगे।
प्रैक्टिकल में सबसे पहले हम आपको इनपुट लेना सिखाएंगे कि पाइथन में हम यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। तो याद करिए मैंने आपको सिंटेक्स लिखा था, सिंटेक्स मैंने क्या लिखा था, इनपुट। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि प्रॉम्प्ट मैसेज भी हम पास कर सकते हैं, यानी ऑप्शनल होता है, लेकिन अगर हम पास करते हैं तो जब हम प्रोग्राम का आउटपुट देखेंगे तो वहाँ पे हमें दिखेगा। तो मैं यहाँ पे एक सूटेबल मैसेज पास करता हूँ, एंटर डेटा, ठीक है, मैंने मैसेज पास कर दिया तो हमारा इनपुट हो चुका है। तो इस इनपुट को हमें स्टोर भी करना होगा, तो मैं एक वेर नाम के वेरिएबल पे इसे स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं सिंपल प्रिंट फंक्शन को कॉल करता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले तो मैं वेर को ही प्रिंट करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल एस करता हूँ और प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो यहाँ पे एंटर डेटा हमें एंटर करने के लिए बोल रहा है, तो मैं यहाँ 12 एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 प्रिंट हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने आपको क्या बोला था कि इनपुट फंक्शन हमेशा और हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। प्रिंट, प्रिंट के अंदर हम टाइप फंक्शन को कॉल करेंगे और उसके अंदर वायर को प्रिंट करेंगे, ठीक है। कंट्रोल एस करता हूँ मैं, देन अगेन रन करता हूँ इसे। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, यहाँ पे मैं वैल्यू इनपुट करता हूँ सपोज 100, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 प्रिंट हुआ है और साथ में उसका टाइप क्या प्रिंट हुआ है, str प्रिंट हुआ है। यानी हमने भले ही इंटीजर वैल्यू इनपुट लिया और उसे प्रिंट करा, लेकिन उसका टाइप क्या है, उसका टाइप str है। ये इनपुट फंक्शन हर हाल में इसका डिफॉल्ट रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होता है। तो अब हमें इंटीजर वैल्यू हमने इनपुट लिया तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर टाइप भी int हो। तो पाइथन में अगर हमें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी वैल्यू को कस्टम करना है तो हर तरह का फंक्शन भी होता है। तो यहाँ पे हमें सिंपल इंट फंक्शन को लिखना होगा। हमने इंट फंक्शन को कॉल करा और यहाँ पे इसका ब्रेसेस क्लोज किया, कंट्रोल एस करता हूँ, देन अगेन प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। यहाँ पे एंटर डेटा बोल रहा है, अगर मैं इस बार 100 करता हूँ और एंटर करता हूँ तो देखिए 100 तो प्रिंट हुआ, लेकिन उसका टाइप क्या हुआ, इंट प्रिंट हुआ। इस टाइम इंट इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो भी वैल्यू यहाँ पे इनपुट लिया इनपुट फंक्शन में, देन उसके बाद हमने यहाँ पे इसका टाइप कन्वर्जन कर दिया, यानी इंटीजर कर दो और वेरिएबल में फिर इंटीजर स्टोर हुआ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक फ्लोट टाइप की वैल्यू इनपुट लूँ, तो मैं प्रोग्राम को करता हूँ रन और यहाँ पे एंटर डेटा में मैं इनपुट करता हूँ 12.34। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यू एरर आया है, यानी हमारा इनपुट क्या है 12.34, हमने यहाँ पे क्या यूज़ करा है, इंट फंक्शन यूज़ करा है। तो इंट क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर टाइप का इनपुट ही एक्सेप्ट करेगा, इस वेरिएबल में हम सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करा पाएंगे। और यहाँ पे हम इनपुट ले रहे फ्लोट, इसीलिए हमें एरर जनरेट कर रहा है, वैल्यू एरर। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पे आप इंट के जगह पे फ्लोट फंक्शन हमें लिखना होगा, ठीक है। फ्लोट फंक्शन को हमने कॉल करा और अगेन मैं प्रोग्राम को करता हूँ रन, ठीक है। एंटर डेटा, यहाँ पे जब मैं इनपुट करता हूँ फ्लोटिंग टाइप का वैल्यू, तो आप देख सकते हैं 12.21 प्रिंट भी हुआ है और उसका टाइप क्या प्रिंट हुआ, उसका टाइप प्रिंट हुआ है फ्लोट, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं फिर से प्रोग्राम को करूँ अगर रन और यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की मैं वैल्यू इनपुट लेता हूँ, जैसे मैंने अंकित लिखा, तो यहाँ पे फिर अगेन वैल्यू एरर आया है, कुडंट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट। स्ट्रिंग को आप फ्लोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप इनपुट ले रहे हैं स्ट्रिंग और आपने यहाँ पे कन्वर्ट क्या करना चाहा है, फ्लोट, तो ये पॉसिबल है ही नहीं। अगर बूल वैल्यू इनपुट लेना होगा तो हमें यहाँ पे बुलियन का यहाँ पे यूज़ करना होगा, बूल, ठीक है। तो हम देखिए अलग अलग अगर हमारा रिक्वायरमेंट है तो हमें यहाँ पे चेंजेस करना पड़ रहा है, अलग अलग टाइप का फंक्शन कॉल करना पड़ रहा है, फंक्शन लिखना पड़ रहा है, इंट के लिए इंट, फ्लोट के लिए फ्लोट। तो इसका एक सोल्यूशन है, पाइथन में ऑलराउंडर एक फंक्शन होता है, यहाँ पे आप अलग अलग के लिए इसको इरेज करिए और यहाँ पे सिंपल हम इवल फंक्शन अगर लिख दें और कंट्रोल एस करें। अब मैं प्रोग्राम को करूँ रन और यहाँ पे एंटर डेटा, इस बार मैं डेटा एंटर करता हूँ 12.89। तो यहाँ पे आप देखिए 12.89 प्रिंट भी हुआ है, उसका टाइप क्या प्रिंट हुआ है, फ्लोट प्रिंट हुआ है। अब मैं इनपुट लेता हूँ 100, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 प्रिंट भी हुआ है, उसका टाइप इंट प्रिंट हुआ है। यानी
पिछला बार जब हमने 12.89 लिया था तो उसका टाइप अपने आप ऑटोमेटिकली फ्लोट दिखाया, देन इस टाइम जब मैंने 100 इनपुट लिया तो उसका टाइप ऑटोमेटिकली इंट शो किया, ठीक है। इसी तरह से हम बुलियन वैल्यू भी इनपुट ले सकते हैं। मैं प्रोग्राम को अगेन करता हूँ रन, और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ ट्रू और एंटर हिट करूँ तो इसका टाइप देखिए अब क्या बता रहा है, बुल। यानी इवल फंक्शन अगर हम यूज करते हैं तो हमें अलग अलग तरह का यहाँ पे फंक्शन लिखने का जरूरत नहीं है कि इंट लिखो, फ्लोट लिखो, बुलियन के लिए बुल लिखो, हम सिंपल इवल फंक्शन यूज करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन इवल फंक्शन है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी अलग अलग तरह के यानी कुछ भी अगर इंटीजर भी इनपुट लेना हो तो आप इवल फंक्शन का ही यूज करें। इंट का करेंगे तो आप सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू ही इनपुट ले पाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे मैं प्रिंट फंक्शन के बारे में मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ आउटपुट के लिए। हालांकि हमने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन यूज करा भी है, देखिए यहाँ पे हमारा वैल्यू भी प्रिंट करा रहे थे हम और उसका टाइप भी, लेकिन अब मैं कुछ एक्स्ट्रा बताता हूँ प्रिंट फंक्शन के बारे में, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं लिख दूँ हेलो और इसे कंट्रोल एस करके मैं प्रिंट करूँ तो हमारा मैसेज हेलो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा मैसेज हेलो प्रिंट हो चुका है, ठीक है। अब प्रिंट फंक्शन में हम कोमा दे के भी वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे हेलो अंकुश, ठीक है। देन और मैं डबल कोट्स दे देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ अंकित। कंट्रोल एस करके जब मैं इसे रन करूँगा तो हर तरह की वैल्यू, यहाँ पे देखिए जितने भी वैल्यू मैंने वहाँ पे लिखे हैं यहाँ पे सारी वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि जो तीन अलग अलग तरह का मैंने यहाँ पे आप देखिए कोमा से सेपरेट किया है, तो इसका डिफॉल्ट नेचर क्या है, जब मैंने कोमा से सेपरेट किया तो एक स्पेस लेके प्रिंट हो रहा है तीनों वैल्यू। मैं चाहता हूँ कि स्पेस ना लेके यहाँ पे मेरा मन पसंद सेपरेटर प्रिंट हो, तो उसके लिए मैं लास्ट में एट वेरी लास्ट क्या करूँगा, यहाँ पे कोमा और सेप इक्वल जो भी आपको सेपरेटर देना है मुझे दे रहा है हाइफन, मैंने हाइफन दिया, कंट्रोल एस करा और इसे करता हूँ रन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो आउटपुट है वो सेपरेट होके आया है जिस तरह से मैं चाहता था, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोमा देके प्रिंट फंक्शन में जितना आपका चॉइस है आप अपनी वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं। अब एक और चीज मैं प्रिंट फंक्शन के बारे में आपको दिखा दूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्रिंट लिखा हेलो, और अगेन मैं एक बार प्रिंट लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ वर्ल्ड, मैंने वर्ल्ड लिखा, ठीक है। कंट्रोल एस करता हूँ, प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो इसका जो डिफॉल्ट नेचर होता है प्रिंट फंक्शन का, पहला प्रिंट फंक्शन का आउटपुट प्रिंट हुआ है फर्स्ट लाइन में, सेकंड प्रिंट फंक्शन का आउटपुट प्रिंट हुआ है आप देख सकते हैं सेकंड लाइन में, लेकिन मैं चाहता हूँ हेलो वर्ल्ड एक लाइन में ही प्रिंट हो गया है। तो यहाँ पे भी एक होता है हमारा एट्रीब्यूट, आप कह लीजिए एंड इक्वल, ठीक है। यहाँ पे आपको किस तरह से एंड करना है, यानी इसका जो आउटपुट आया और जो नीचे आउटपुट है ये जो एंड लास्ट न्यू लाइन में हो रहा था आपको किस तरह से एंड करना है, तो मैं चाहता हूँ एक स्पेस में एंड हो, ठीक है। कंट्रोल एस करके प्रोग्राम को करता हूँ रन। यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड एक लाइन में प्रिंट हो चुका है। अगर आप चाहें तो दो तीन लाइन बाद प्रिंट हो तो आप यहाँ पे स्लैशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा दो लाइन का गैप लेके प्रिंट होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो लाइन का स्पेस आ चुका है, ठीक है। तो ये था इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं पाइथन में, यानी कैसे यूजर से इनपुट ले सकते हैं और कैसे उसे प्रिंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।